साइबर क्राइम न्यू है। नूह की जामताड़ा फाइल्स। जहां चप्पे चप्पे पर है साइबर क्रिमिनल। नूह की यही वो अरावली की पहाड़ियां हैं जो साइबर ठगों के लिए सबसे महफूज ठिकाना है। नूह के साइबर ठगों की इनसाइड स्टोरी। नूह के साइबर तिलिस्म पर सबसे बड़ा खुलासा। साइबर ठगों की कहानी। नूह के साइबर ठगों के तमाम ठिकानों पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। नूह के चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। नूह के तमाम तस्वीरों को आज करेगा बेपर्दा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। क्या नूह में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? हिंसा वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर साइबर क्राइम थाने के दंगाइयों की भीड़ ने क्यों निशाना बनाया? आखिर क्यों थाने को जला देना चाहते थे दंगाई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जी मीडिया ने अपनी पड़ताल में इन सवालों को खोजने की कोशिश की है और हिंसा के पूरे प्लान को डिकोड किया है। नू हिंसा का पूरा प्लान डिकोड। 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में दंगाइयों ने साइबर क्राइम थाने को भी अपना निशाना बनाया। साइबर क्रिमिनल की साजिश हुई बेनकाब। जो दंगाई थे उन्होंने यहां पर एक बस लगाई और बस के जरिए ये थाने की जो चार दीवारी है उस चार दीवारी को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। जाम ताड़ा नहीं बनने दिया तो जला दिया साइबर थाना। पिछले कुछ दिनों में काफी रेड की है मेवात नूह इलाकों में, लगभग 60 से ज्यादा रेड की है, जिसके वजह से साइबर अपराधी बौखला गए थे। हिंसा की आड़ में थाने से रिकॉर्ड जलाने की साजिश। नूह में अचानक नहीं भड़की थी हिंसा। मेवात और नूह का जो एरिया है साइबर क्राइम का एक हब बना चुका है। जामताड़ा के बाद ये जगह काफी फेमस हुआ साइबर क्राइम करने के लिए। साइबर थाने को फूंक देना चाहते थे साइबर अपराधी। 3 थानों को छोड़कर इसी थाने को क्यों बनाया निशाना? नूह हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिश की एक एक परतें खुलती जा रही है, जिससे बेपर्दा हो रहे हैं कई राज और मिल रहे हैं कई जवाब। जो हर कोई जानना चाहता है नूह हिंसा की एक बड़ी साजिश डिकोड करने जा रहा है। आज खुलासा होगा कैसे नूह अचानक हिंसा की आग में झुलस गया। वो लोग कौन थे जिन्होंने हिंसा की आड़ में काला खेल खेलना चाहा? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको साजिश का पैटर्न समझाते हैं। 31 जुलाई को नूह के नलहर शिव मंडल से ब्रज मंडल यात्रा शुरू हुई। यात्रा में 2 समुदाय के लोगों के बीच तिरंगा पार के पास टकराव हुआ। यही वो जगह है जहां यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पूरे नूह में हिंसा की आग भड़क गई। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि तिरंगा पार्क से महज कुछ मीटर दूर सिटी थाना, सदर थाना और महिला थाना है। उस दिन ये भीड़ तीनों थानों के सामने से गुजरी लेकिन इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोपहर करीब 3 बजे अचानक हिंसा वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर भीड़ अनाज मंडी के पास साइबर क्राइम थाने पर हमला बोल देती है। इस हमले की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दंगाइयों ने बस से पहले थाने के गेट में टक्कर मारी। गेट नहीं टूटा तो बस को रिवर्स किया और फिर थाने की दीवार को टक्कर मारकर तोड़ दिया। जब दंगाई थाने के अंदर घुसने में नाकामयाब हुए तो उन्होंने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दंगाई किसी तरह थाने के अंदर घुसना चाहते थे। उनका मकसद था थाने में रखे दस्तावेजों को जला देना।
वो थाने में साइबर क्राइम से जुड़े सभी रिकॉर्ड को फूंक देना चाहते थे। दंगाइयों ने दीवार और छत पर चढ़कर पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब सवाल है, क्यों दंगाई तीनों थानों को छोड़कर साइबर क्राइम थाने को जला देना चाहते थे? क्यों उनकी नजर थाने में रखे साइबर क्राइम के रिकॉर्ड पर थी? इसका जवाब पड़ताल में सामने आया है। दरअसल हिंसा से पहले नू साइबर अपराधों को लेकर सुर्खियों पर रहा है। नू की पहचान दूसरे जामताड़ा की तरह बनने लगी थी। 28 अप्रैल को पुलिस ने नू के कई जिलों में साइबर क्रिमिनलों पर रेड मारी थी और इस पूरी कार्रवाई के रिकॉर्ड इसी थाने में मौजूद थे। यही वजह मानी जा रही है कि नू को जामताड़ा नहीं बनने दिया तो साइबर अपराधियों ने नू में आग लगा दी। जामताड़ा के बाद ये जगह काफ़ी फेमस हुआ साइबर क्राइम करने के लिए, और उसके अलावा पशु तस्करी के लोग हैं जो तमाम जो केस दर्ज किए गए थे उस केस का जो डॉक्यूमेंट्स था, FIR था, वो सब यहाँ पर था। और दंगाई घुसकर कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से थाने के बाहर उन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया, ठीक उसी तर्ज पर जो डॉक्यूमेंट थे, जो दस्तावेज थे अपराधियों के खिलाफ, उसे जला दिया जाए। लेकिन यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने बेहद मुश्किल भरे क्षणों में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से हटाया, छिपाया, ताकि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा था वो सतत जारी रहे, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहे। ये जो साइबर थाना है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रेड की है, मेवात नूह इलाकों में लगभग 60 से ज़्यादा रेड की है, जिसके वजह से साइबर अपराधी बौखला गए थे, परेशान हो चुके थे। उधर हरियाणा सरकार भी मान रही है कि नूह में हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और 104 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 के करीब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। 31 जुलाई को हुई हिंसा के तार 28 अप्रैल की पुलिस एक्शन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। 31 जुलाई से पहले नू 28 अप्रैल को सुर्खियों में आया था जब पुलिस के 5000 जवानों ने एक साथ मिलकर कई जिलों में रेड मारी थी। गांव नई, तिरबाड़ा, अबीनाबाद, लोहिंगा, लोहिंगा खुर्द, खेड़रा, जेमत, गोछोला, गोछोली समेत 14 गांव में रेड की थी। इसके लिए 102 टीमें बनाई गई थी। रेड में 200 से ज्यादा मोबाइल सिम के अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद हुए थे। नू का ये साइबर पुलिस थाना 2 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दूसरे आपराधिक दस्तावेज थे और दंगाइयों का मकसद इसी को बर्बाद करना था। साइबर थाने पर हुए अटैक से साफ होता है कि साइबर क्राइम की जड़ें किस कदर हरियाणा में फैलने लगी हैं और नूह इसका जीता जागता उदाहरण बन रहा है। नूह से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 31 जुलाई को नूह में जो कुछ हुआ उसका हिसाब अब हो रहा है, लेकिन नूह में हो रहे गुनाहों की असली लिस्ट का हिसाब होना भी बाकी है। क्या है नूह और मेवात के साइबर क्राइम के इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते हैं। नूह, जहां हर दूसरे घर में बैठा है साइबर ठग। जहां चप्पे चप्पे पर है साइबर क्रिमिनल। नू, जहां बना जामताड़ा नया अड्डा। नूह के साइबर अड्डों की कहानी। नूह और मेवात कब साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया, देश ये जान ही नहीं पाया। अब तक तमाम लोगों को यही पता था कि जामताड़ा ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा ठिकाना है, लेकिन वक्त की करवट के साथ नूह और मेवात में वो सब कुछ होने लगा जो किसी जमाने में जामताड़ा में होता था। पुलिस भी नूह और मेवात के क्राइम अपग्रेडेशन से हैरान थी,
क्योंकि अब तक यहां बीफ कारोबार और चोरी की गाड़ियों को काटने का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता था। बदलते दौर में नूह और मेवात कब अपग्रेड हो गया, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि कहीं जामताड़ा के ही साइबर क्रिमिनल नूह मेवात के अपराधियों को ट्रेंड तो नहीं कर रहे थे। शायद यही वजह रही कि हरियाणा सरकार ने इसी नूह में साइबर थाना बनाने का फैसला लिया होगा, लेकिन दंगाइयों ने सबसे पहले इसी थाने को निशाना बनाया। मेवात में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। नूह का मेवात वो इलाका है जो धीरे धीरे देश का दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है। जामताड़ा जो साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता है, अब वैसा ही नूह में भी बन चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे युवा मेवात में बैठकर देश भर में ठगी करते हैं? इसी साल के मार्च महीने में ही ये खुलासा हुआ था कि देश के 9 राज्यों में साइबर क्राइम हो रहा है। 9 राज्यों के 32 इलाकों को चिन्हित किया गया जो साइबर क्राइम का गढ़ बन चुके हैं। नूह का मेवात इलाका भी इसी लिस्ट में शामिल है। आपको 2020 में आई जामताड़ा वेब सीरीज तो याद ही होगी। अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। इसमें जामताड़ा के साइबर अपराधियों की कहानी और उनकी ठगी के तरीकों के बारे में डिटेल में बताया गया था। ठीक उसी अंदाज में नूह और मेवात में भी होता है। मेवात में साइबर ठगी करने वाले एक मोबाइल ऐप के जरिए नंबर्स निकाल लेते हैं और फिर फोन लगाकर लोगों को फंसाते हैं। इसी साल अप्रैल महीने में पुलिस ने बड़े एक्शन को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने हरियाणा के 14 जिलों में छापा मारा था। 5,000 पुलिस कर्मियों की 102 टीमों ने छापेमारी की थी। सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इनमें से 66 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस को छापेमारी के बाद जो कुछ बरामद हुआ था वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। इस दौरान पुलिस को 166 फर्जी आधार कार्ड्स, 5 पैन कार्ड्स, 128 एटीएम कार्ड्स, 66 मोबाइल फोन, 99 सिम कार्ड्स, 5 पीओएस मशीन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए थे। शायद यही वजह है कि अब साइबर क्राइम पुलिस थाने पर हमले के पीछे साजिश मानी जा रही है। एसीएस प्रसाद का कहना है कि यात्रा का साइबर क्राइम पुलिस थाने पर हमले से क्या लेना देना है, इस हमले से किसे फायदा होना था, इन तमाम सवालों की जांच में पुलिस भी जुटी है। नूह से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में है। हिंसा भड़काने वाले और उनके मददगारों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज मेडिकल कॉलेज के पास करीब 2.5 एकड़ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराया गया। करीब 45 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस जारी कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को नूह में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला था।